नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट यानी एनआईटी उत्तरी नागपुर में अतिक्रमण संरचनाओं को हटाने के अभियान पर है। पिछले कुछ दिनों में एनआईटी ने शिवाजी चौक, यशोधरा नगर चौक, भगवान नगर, प्रवेश नगर और गरीब नवाज नगर से सटे इलाकों में लगभग 287 अतिक्रमण संरचनाओं को बुलडोजर से गिराया है, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई से बेघर हुए यशोधरा नगर रहवासी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचे। नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में अपनी समस्याओं, शिकायतों को लेकर नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। एनआईटी की इस अतिक्रमण कार्रवाई से नाराज नागरिकों ने ये आरोप लगाया है कि इन लोगों को बिना कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई की गई है, जिससे लोगों पर इस भरी धूप में छत छीन गई है, इन लोगों को घर दिया जाए। आज हम समस्या ये लेके आए सर कि हमारे शिवाजी संभाजी नगर जो है, यशोधरा नगर जो है, तो वहाँ पे हमारे घरों में बिना नोटिस दिए पूरी बस्ती एक रात में अलाउंस करके सवेरे पूरी बस्ती को तोड़ दिया गया। और आज वहाँ पे वो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में 10 रुपये भी नहीं है कि यहाँ से ऑटो करके साहब के घर पर आ सके। उन लोगों को आज हमने अपने जेब से गाड़ी करवा के पूरे बस्ती वालों को लोगों को हमने लेकर आया है साहब के पास अर्जी लेके कि इनको बेघर मत करो, इनको घर दिया। समस्या तो आमची आहे की आम्हाला बिना नोटीस म्हणजे पूर्व सूचना न देता अतिक्रमण झालंय। दुसरी गोष्ट, आम्ही उन्हातना तिथेच बसून याच्या पूर्वी पण आम्ही आमदार, खासदार, एनआयटी सगळं केलं, यांना निवेदन दिलं, आमच्याकडे त्याचे प्रूफ पण आहेत। तर आमची मांग आहे की बा आम्ही तर भाडेकरू होतो, आमच्याच्याने भाडं दिणं नाही झालं म्हणून आम्ही अतिक्रमण केलं। आम्ही मान्य करतो की आम्ही चुकी केली, पण तुम्हीही तर चुकीच केली ना, आम्हाला पूर्व सूचना न देता आता एवढंच म्हणणं आहे की आम्ही जिथे बसलो आम्हाला तिथे जागा द्या, आम्ही पैसे भरायला तयार आहो। सर, नितीन साहब से हमारी ये अर्जी है, निवेदन है कि झोपड़पट्टी को एनआईटी ने बगैर किसी इतला दिए, नोटिस दिए, समझे, आकर सीधा उखाड़ना शुरू कर दिए। और उन लोगों के पास आज से 20 साल तक के पुराने होने के बावजूद भी उनको तोड़ा गया। सर, ये क्या कहना है? दूसरी बात सर से ये कहना है कि तोड़ने के बाद कोई भी आकर वहाँ पर ये नहीं बोला कि आपकी हालत कैसी है, दुर्दशा कैसी है। पूरा झोपड़पट्टी छोटे छोटे बच्चे लेके, बुजुर्ग को, बाल बच्चे, महिलाओं को लेकर आज धूप में पड़े हैं सर, और इनकी हालत इस तरह हो गई है कि आप देख नहीं सकते। न्याय की गुहार लगाने भारी संख्या में बेघर नागरिक नितिन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में पहुंचे और अपनी मांग रखकर इस तपती धूप में सर पर छत दिलाने की अर्जी लगाई। एनबीसी न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।